हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और जिसमें हमारा फर्स्ट जो सैम्पल प्रॉब्लम है दैट इज टू पॉइंट चार्जेस 10 × 10⁻⁸ कूलम एंड −4 × 10⁻⁸ कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 70 cm इन एयर एंड दैट इज शोन इन द फिगर. Now what are the questions? Find at what distance from point A would the electric potential be zero? यानी कि पहले हमें बताना है कि किस पॉइंट पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. And second, what we have to calculate the electrostatic potential energy of the system. Fine. तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट करते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा. अब हमें पता है कि पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड एट एनी पॉइंट वी विल सिंपली ऐड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्ज वन एंड चार्ज टू. अब मान लीजिए अगर मैं कोई पॉइंट अज्यूम करती हूँ, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, यहाँ −4 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है एंड एट दिस पॉइंट इट इज 10 × 10⁻⁸ कूलम, राइट. अब मैं अज्यूम करती हूँ कि कोई पॉइंट पी है जहाँ ये पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर वी ए भी कोई वैल्यू होगी और सेकेंड चार्ज क्यू टू की वजह से भी, यानी कि बी चार्ज की वजह से भी यहाँ कोई वैल्यू होगी, और मैं ये मान के चलती हूँ कि इस पॉइंट पर दोनों पोटेंशियल्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. तो मैं ये डिस्टेंस मान लेती हूँ, दिस इज आर. सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 0.7 − r, इट इज इन मीटर्स, लेट इट बी इन मीटर्स. ओके, नाउ and let this point is P, ठीक है. Now at P, VA plus VB that will be equal to zero, ठीक है. Now what is VA? VA is equal to KQ1/R, and what is VB? It is equal to KQ2/0.7 − r. So 9 × 10⁹, what is Q1? 10 × 10⁸ divided by r minus 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁸, क्योंकि पी पॉइंट पर सेकेंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यू जो है वो नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पर हमने लिखा है. एंड डिवाइडेड बाय 0.7 − r दैट इज इक्वल टू जीरो. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 900 That is 90 × 10⁹ / r, तो ये 900/r, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, यानी कि 360/0.7 − r दैट इज इक्वल टू जीरो. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू विल फाइंड दैट r इज इक्वल टू 0.5 m. तो इसमें हमने क्या, इसमें हमने समझा है या सीखा है कि अगर कोई भी सिस्टम हमें दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई पॉइंट अज्यूम करना है और रिलेटिव डिस्टेंस पता लगाना है उस पॉइंट का जितने भी चार्जेस हमसे दिए गए हैं. एंड व्हाट वी विल डू, we will try to find out the total potential at that point and we will make it equal to zero. Then we will solve for that unknown distance.
that is in this case it is r, and we find it out that it is equal to 0.7 meter. Fine beta. Now the second part, that is the calculate the electrostatic potential energy of the system, that you can do yourself. That is, the formula is I have to make this. Electrostatic potential energy, we know that potential energy is equal to K Q1 Q2 upon R. So 9 into 10 is to power 9, and what is Q1 here? Q1 is 10 into 10 is to power minus 8. Yes, it is 10 into 10 is to power minus 8. And what is Q2? It is minus 4 into 10 is to power minus 8. And the distance is 0.7. Okay, beta. Now, when we will solve this, what is the final answer? It will be negative, because the two charges are less. The product of two charges is less than zero, so the potential energy will be negative, and we will find it as minus 5.14 into 10 to the power minus 5 joule. ओके बेटा, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल हमारा फॉर्मूला लगा है पोटेंशियल एनर्जी का दो चार्जेस के केस में, जो कि हम पहले भी दो तीन एग्जांपल इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. फाइन. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज वी हैव टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, दैट इज टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ वैल्यूज प्लस 50 माइक्रोकूलम एंड plus 9 microcoulomb are kept 18 cm apart in air. Calculate the work done when charge B is moved by 3 cm towards A. Now what is Q1? It is plus 15 microcoulomb, and what is Q2, which is placed at plus 9 at B, and it is plus 9 microcoulomb. These two charges are separated by 18 cm. Now the question is, we have to calculate the work done when we shift this charge, which is placed at B, 3 cm towards charge Q1, that is towards A. It means we have to do some work. आप इसको simply इस तरीके से लेंगे कि मान लीजिए Q2 charge जो है ये पहले infinity पर था. Infinity से हम इसको बी पोजीशन पर लेकर आए, जो कि 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. किससे? Q1 से. ठीक है, हमने कुछ वर्क किया, यानी कि वो मान के चलो कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनी, जहां सिस्टम एक दूसरे से, सिस्टम में दो चार्जेस हैं जो 18 सेंटीमीटर के गैप पर रखे हैं. अब सेकंड केस में क्या कहा जाता है कि Q1 अपनी जगह पर है एज इट इज, लेकिन जो B है, B पर जो चार्ज है उसको 3 सेंटीमीटर हम मूव करा के ले आए हैं, और हम इसको टोटल डिस्टेंस कितने पर ले आए हैं? 15 सेंटीमीटर पर. अब ये चार्ज यहाँ पर आ गया है. ठीक है, अब यानी कि क्वेश्चन में ये है कि ये जो 3 सेंटीमीटर आपने मूव किया, तो सिंपली क्या इसमें हमें क्या करना है कि इनिशियली जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में या उसको सेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, फाइनली जो हमसे कॉन्फ़िगरेशन मांगा गया है उसको सेट करने में हमें कितना वर्क करना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव अस द नेट वर्क डन इन मूविंग और डिस्प्लेसिंग क्यू टू 3 सेंटीमीटर टूअर्ड्स ए. तो सिंपली हमें क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, एंड इट इज लेट इट बी आर वन, एंड इट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे.
final potential energy, that is K Q1 Q2 upon R2, and again it is 9 into 10 to the power 9 into 15 into 10 to the power minus 6 into 9 into 10 to the power minus 6 divided by 15 into 10 to the power minus 2. So what is the work done? It is U final minus U initial, और ये हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 1 by R2 minus 1 by R1, and this can be written as 9 into 15 into 9 into 10 raised to power 9 minus 6 minus 6 10 raised to power minus 12, and it is 1 by 100 upon 15. I can write it as 100 upon 18. ठीक है, एंड इफ आई सॉल्व इट देन द आंसर विल कम आउट टू बी 1.35 जूल्स. ओके, तो शिफ्टिंग में क्या करना, सिंपली आपको ये करना है कि हमें इन्फिनिटी से पहले हम बी पोजीशन पर आए तो हमने कुछ काम किया, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा. अगर मैं इसको 3 सेंटीमीटर और आगे मूव करती हूँ तो मुझे थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव. दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव क्योंकि अब पहले बी पॉइंट पर जो 9 माइक्रोकूलम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, बी डैश पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि 18 सेंटीमीटर पर क्यू वन की वजह से जो पोटेंशियल है बी पर वो कम है, लेकिन 15 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा बिकॉज द डिस्टेंस डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 एट पॉइंट B डैश इट विल इंक्रीज. और क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि इसको 3 सेंटीमीटर मूव करने में इस पर जो वर्क किया गया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया गया, एंड दैट शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव, एंड इट इज इक्वल टू 1.35 जूल. ओके बेटा, now the next problem is, in this given figure you can see that there are 3 charges placed at some points. The distance between minus q and minus q, these 2 charges are same, and the distance between them is 2r, and we have placed another charge which is positive in nature, capital Q, at the midpoint of the line joining the 2 small q charges. So this distance is r and this distance is r. Now what is the question? In the figure given, an arrangement of 3-point charges, we can see the total potential energy of this arrangement is 0. This is given to us. कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. Now calculate the ratio Q by Q. It's very simple. टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यानी कि 3 चार्जेस हैं, हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे. पहले मैं ये पेयर बनाती हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी K, Q, Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R. अब मैं ये पेयर लेती हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? K, Q, Q अपॉन R, डिस्टेंस R होगा. अब मैं ये दो पेयर लेती हूँ, नेगेटिव नेगेटिव अगर प्रोडक्ट लूंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, एंड द टोटल सम ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. ओके बेटा, नाउ व्हाट आई विल डू, k तो राइट साइड में जाकर 0 हो ही जाएगा. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट I can take out KQ common from this upon R. ये भी हम common ले लेते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा? माइनस Q प्लस Q अपॉन 2. KQ अपॉन R हमने common ले लिया, दैट इज इक्वल टू 0. अब ये क्वांटिटी राइट साइड में जाकर 0 हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस 2Q प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0. अब जो रेशियो क्यू बाई क्यू पूछा है तो ये आपका हो जाएगा क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 2 क्यू
right? And Q upon capital Q is equal to 4/1. This is the answer. Okay, now the ratio Q by Q is equal to 4/1. Okay, तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, आपको बस पता होना चाहिए कि तीन चार्जेस का सिस्टम है तो तीन पेयर बनेंगे और एक पेयर रिपीट नहीं होगा, एक पेयर एक ही बार आएगा। ओके, और आपको डिस्टेंसेस देखने, अगर आप ये पेयर ले रहे हैं तो आप इन चार्जेस के बीच में क्या डिस्टेंस है वो देखेंगे, साथ आप ये देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, और सिंपल आप स्केलर एडिशन कर दीजिए। फिर आप जो भी इक्वेशन आए उसको सॉल्व कीजिए और जो क्वांटिटी आपसे पूछी गई है उसके लिए आप वर्कआउट कीजिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द फिगर अ प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम पॉइंट आई टू पॉइंट एफ। ये देखो, ये पॉइंट आई है और ये पॉइंट एफ है, एक प्रोटॉन है ये आई से एफ की तरफ मूव कर रहा है, फाइन। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जिसमें प्रोटॉन मूव कर रहा है। डायरेक्शन इज शोन इन द डायग्राम, ये मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसके डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन ये है, डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन ऑन द प्रोटॉन। अब ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रोटॉन पर वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सिंपल वर्क का अगर हम यहाँ पर फंडा ले एफ डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा। फोर्स कौन लगाएगा, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्रोटोन दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड आई पॉइंट इट एज एफ ई। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर तुम देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव बनी है। अब अगर आप चाहें कि एक प्रोटॉन इस तरफ मूव करे तो जाहिर है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा वही, जिस फोर्स से रिपेल करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स है, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस प्रोटॉन, बट इन स्पाइट ऑफ दिस फोर्स द प्रोटॉन इज मूविंग फ्रॉम पोजिशन आई टू एफ, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज -1, सो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी नेगेटिव। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये चीज़ हम, वर्क कब पॉजिटिव होता है वर्क कब नेगेटिव होता है ये चीज़ हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में और वर्क एनर्जी पावर में भी हमने पढ़ा 11th क्लास में, कि किन किन केसेस में सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है तो उस वक्त वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं तो इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी भी लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये नेगेटिव होगा, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है उसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेम कहानी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि प्रोटॉन इस तरफ मूव करे लेकिन प्रोटॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वर्क डन इन दिस केस अगेन टू बी नेगेटिव। अब क्या कहता है, डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स की तरफ मूव कर रहा है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब प्रोटॉन आई से एफ की तरफ जा रहा है,
आई से एफ की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो प्रोटॉन का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। यानी एक तरह से आप ये देखो, ये केस क्या है कि सपोज यहाँ कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और मान लो ये प्रोटॉन इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता हुआ आ रहा है। तो वही केस है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि बी पोजीशन पर पहले चार्ज रखा हुआ था प्लस 9 माइक्रोकूलम, फिर हमने उसको 3 सेंटीमीटर ए की तरफ बढ़ाया, यानी कि सोर्स की तरफ बढ़ाया, Q1 की तरफ बढ़ाया, तो हमें वर्क जो हमने वर्क किया वो वर्क उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ और उसने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की। दूसरी वजह हमने ये भी इसकी ये बताई कि भाई जितना डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज का उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन द प्रोटॉन विल मूव पोजीशन फ्रॉम पोजीशन आई टू पोजीशन एफ, ठीक है, एट एफ वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, सिंपल कहानी। तो जब ये यहाँ एफ पर आएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जाहिर है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू इंटू वी, एम आई राइट। सो द सेकेंड क्वेश्चन हैज द आंसर दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट विल इंक्रीज। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम, द लास्ट प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट माइनस 9 सेंटीमीटर 00। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 7 माइक्रोकूलम यहाँ पर है और माइनस 2 माइक्रोकूलम है 9 सेंटीमीटर 00, यानी कि y और z कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। इसका मतलब सिस्टम कहाँ पर रखा हुआ है, एक तरह से मान सकते हो x एक्सिस पर रखा हुआ है, और ये मान लीजिए सेंटर अगर हम लें तो यहाँ नेगेटिव x एक्सिस पर माइनस 9 सेंटीमीटर पर 7 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 9 सेंटीमीटर पर माइनस 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। फाइन, तो ये एक तरह से हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है, और कोऑर्डिनेट्स देने में यहाँ इनका ट्रिक ये है कि ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या बच्चा अब इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस पता लगा पाएगा। अगर आप बिल्कुल सही इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम या डायग्राम सही बनाकर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाकर इनकी पोजीशंस पर इनको आप सेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि इन दो चार्जेस के बीच में क्या डिस्टेंस है। नाउ यू कैन सी दैट द डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका पोटेंशियल स्केलर है, हमें जस्ट ये देखना है कि दोनों चार्जेस कितनी स्पेसिंग पर हैं। 9 सेंटीमीटर यहाँ, 9 सेंटीमीटर यहाँ, टोटल हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट, यू हैव टू इन फर्स्ट केस यू हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज सिंपल, ये मैंने ज्यादा ऑलरेडी ये सॉल्व करके रखा हुआ क्योंकि हमें मेन एम्फेसिस देना थर्ड पार्ट पर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसमें सिर्फ ये आपका ट्रिक था कि आप 18 सेंटीमीटर का गैस कैसे लगाएंगे, एंड द फॉर्मूला इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, एंड वी हैव हियर टेकन द वैल्यूज ऑफ क्यू वन क्यू टू एंड आर, एंड इट विल कम आउट टू बी माइनस 0.7 जूल। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटिसिमली अवे फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइटली अवे, यानी कि अगर इसका उल्टा जो फर्स्ट केस है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, 7 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम, पहले ये दो चार्जेस इन्फिनिटी पर थे और इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ा, माइनस 0.7। अब इनको दोबारा से वापस इन्फिनिटी में ले जाने में, दोबारा से इन्फिनिटी में ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक टू सेपरेट देम
and to place them at infinity again but opposite in sign. तो अगर इनको अरेंज करने में -0.7 जूल वर्क हमने किया था तो इनको वापस सेपरेट करने में इन्फिनिटी तक पहुंचाने में हमें मैग्नीट्यूड में इतना ही वर्क करना पड़ेगा बट साइन में इट विल बी पॉजिटिव. सो द वर्क डन W इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू 0.7 जूल. ओके नाउ व्हाट इज द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज suppose that the same system of charges is now placed in an external electric field. देखो पहले क्या लिखा हुआ है and with no external field. ये बिल्कुल वो केस है जो अब तक हम पोटेंशियल एनर्जी में लेते थे कि मान लो पहले हम Q1 को लेकर आए यहाँ पर और यहाँ ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. जब हम Q2 को लेकर आए तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है. किसकी वजह से? Q1 की वजह से, राइट. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है और यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने स्पेशली लिखा है कि पहले आप मान के चले कि आप Q1 को जब लेकर आए या Q2 को पहले लेकर आए तो कोई भी पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. लेकिन अब सी पार्ट में इस चीज को इन्वॉल्व किया गया है कि जहां आप Q1 और Q2 कर लेकर आए हैं तो वहां मान के चलिए कि ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था किसी थर्ड चार्ज की वजह से. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए कैसा है. E इज इक्वल टू A इंटू 1/r². E इक्वल टू A/r², जहां A एक कांस्टेंट है 9×10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर. लेकिन R क्या है? डिस्टेंस. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, राइट. तो जो हमें The work done in bringing Q1 from infinity to this point in the prevailing electric field, that we have to calculate. Again, we have to calculate the work done in bringing Q2 from infinity to this point. And here the electric field will have some another value. Fine. So, in this scenario, what would be the electrostatic potential energy of the configuration that we have to calculate? Now, अब बिल्कुल स्टार्टिंग में एक मैथमेटिक्स हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. और हमने एक फॉर्मूला दोनों के बीच में डिराइव किया था कि जो पोटेंशियल है इट इज द इंटीग्रल ऑफ E.dr, राइट. एंड इट इज -E.dr अगर dr और E की डायरेक्शन सेम है. नाउ इन दिस केस E इज गिवन एज A/r². तो ये पूरा जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट विल बी -A/r² × dr. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो a जो आपका आ जाएगा कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका हम इंटीग्रल नहीं लेंगे. और 1/-1/r² अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी -1/r एंड -± एंड इट विल कम आउट टू बी 1/r. सो V इज इक्वल टू A/r. यहां से हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला. यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि पोजीशन A पर कितना पोटेंशियल है, पोजीशन B पर कितना पोटेंशियल है. अब यहां पर पोटेंशियल होगा VA और इधर VA कितना है? A/r. और इधर क्या है? VB. और इधर आर ए में लिखूंगी और यहां मैं लिखूंगी A/rB क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो चुका है इधर. ओके नाउ बेटा इस चीज को आप ये समझिए, ये पॉइंट है O और ये 9 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस गया इधर और ये 9 सेंटीमीटर इधर डिस्टेंस गया. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है,
इस तरफ भी वेरिएबल है, इस तरफ भी वेरिएबल है, और जो ये डिपेंडेंस देखकर आप ये अज्यूम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक यहाँ पर एक केस दिखाना चाहती हूँ। मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ओ पोजीशन पर इन्होंने कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ इस तरीके से जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 1/r² वेरिएशन को फॉलो कर रहा है, और हमारे चार्जेस 9 सेंटीमीटर दोनों तरफ रखे हुए हैं। यहाँ पर Q2 रखा हुआ और यहाँ पर Q1 रखा हुआ है। ओके, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB, क्योंकि हम Q1 को लेकर आए इन्फिनिटी से यहाँ पर, तो ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक VA पोटेंशियल था यहाँ पर, दैट इज A/RA जो 9 सेंटीमीटर है। तो Q1 इंटू दिस पोटेंशियल, तो ऑलरेडी ये वर्क डन होगा ही होगा। आप मान लीजिए Q1 को भूल जाइए, अगर Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आते तो यहाँ भी एक आपका RB या आपका पोटेंशियल है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो Q2 को यहाँ लाने में भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम Q2 को यहाँ पहले Q1 को लेकर आए, Q1 को लाने में हमें वर्क करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जब Q2 को लेकर आए तो अब दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेंगे, एक तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिलेगा जिसकी वजह से पोटेंशियल A/RB मिला हमें, और मोर ओवर अब यहाँ एक और पोटेंशियल हमें मिलेगा जो Q1 की वजह से बना। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो ऑलरेडी जो पोटेंशियल एनर्जी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 0.7 जूल, जो कि फॉर्मूला K Q1 Q2/R से हमें मिला, वो पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर जुड़ेगी। राइट, सो व्हाट इज Q1? व्हाट इज Q1 हियर? Q1 इज इट इज 7 × 10⁻⁶। लेट मी सी द क्वेश्चन, व्हाट इज Q1? इट इज 7 µC. इट इज 7 × 10⁻⁶। What is VA? VA is A/R. What is A? It is 9 × 10⁵. और ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 × 10⁻²। Q2 हमारा है यहाँ पर -2. Q2 is -2. -2 × 10⁻⁶ into 9 × 10⁵ upon 9 × 10⁻², और प्लस 0.7 जूल, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी बनी टोटल। ये देर आर 3 टर्म्स, 1, 2 and 3 टर्म्स। राइट, ये आपका आ गया, इट विल बी -1 + 1, दैट इज 70, माइनस 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया -20 एंड प्लस 0.7। ओके, दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल बी 50 प्लस दैट वॉज -0.7 एंड इट विल बी 50 -0.7 एंड इट विल बी 49.3 जूल। दिस विल बी 49.3 जूल। ओके, तो ये एक तरह का अलग केस हमने डिस्कस किया है कि हमने एक चार्जेस का सिस्टम असेंबल किया, और जहाँ हमने सिस्टम असेंबल किया वहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि पहले तो चार्जेस को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क हमने किया, फिर उन चार्जेस का आपस में
जो इंट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ा. सो द टोटल वर्क डन इज कम आउट टू बी 49.3 जूल. बेटा आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उसको मूव कराएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, और इन अदर वर्ड्स व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू शेयर. टिल देन बाय बाय. Stay happy, stay healthy.